हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार सन्नी अम्बावता ब्लॉग्स में। तो भाइयों, आज चल दिए हम तीनों भाई नटराज कैफे, नटराज दही बल्ले वाले हैं कैफे, आज उनके यहाँ चलते हैं। 1940 की दुकान है, चांदनी चौक में ऐसे ऐसे खजाने छिपे हुए हैं, आज उनको हम सामने ला रहे हैं, ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। सद्दाम भाई, 1940 की दुकान है नटराज की, दही बल्ले वाले की, अभी चलते हैं। मशहूर है और बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ है देखो, और खाओगे टेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा, एकदम नंबर वन। जब खास खा के देखते हैं तो मालूम पड़ेगा। आप कुछ बोलोगे भाई? देखो ऐसा है, ये जो ब्लॉक है सन्नी अम्बावता का ब्लॉक है, ठीक है। ये सन्नी अम्बावता जी हल्के आदमी नहीं है, ये मजबूत आदमी है। जहाँ जाते हैं, जिसकी भी दुकान पर जाते हैं, सब इनका चैनल देखते हैं और ये मशहूर है और इनको बड़ा मान सम्मान देते हैं और गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि सन्नी अम्बावता जैसे लोग हमारा ब्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम आए नटराज, इसकी टिक्की मशहूर है, भल्ला पापड़ी मशहूर है, तो हम उसको टेस्ट करेंगे और उसका विस्तार से फिर विवरण करेंगे आपके सामने। तो ठीक है गाइज, अभी चलते हैं। जैसे भाई ने बताया, अपना सभी स्वागत करते हैं, तो अभी सही हम चल रहे हैं, अभी चल के आपको दिखाते हैं नटराज कैफे का, आराम से बैठ के भल्ला पापड़ी दही बल्ले सब लेंगे। चलो गाइस आओ। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ नटराज दही बल्ले वाले के पास। देखो 1940 की दुकान है, ये अपना देसी घी की टिक्की बन रही है, आपको दिखा देते हैं लाइव। एक्सक्यूज मी, ये इनकी चटनी है केला और अनार वाली, ये हरी चटनी। ये इधर दही बल्ले रखे हुए हैं, ये देखो आप भीड़ देख सकते हो, ये भीड़ हो रही है जबरदस्त। अब हम चलते हैं ऊपर, देख लो रेट भी देख लो, दही बल्ले के 70, आलू टिक्की के 70। अब इनका यहाँ ये छोटी सी दुकान है, अब चलते हैं ऊपर ये स्टेयर से, यहाँ बैठेंगे ऊपर, वहाँ खाएंगे, वहीं दिखाएंगे। तो टोकन कटवा लेते हैं गाइस, जो भी लेना है फिर ऊपर चल के दिखाते हैं। तो गाइस ये ले लिए दही बल्ले नटराज के, ये बैठे भूपंदर भाई, ये रहे सद्दाम भाई, और ये बैठे हैं हम सन्नी अम्बावता ब्लॉग। तो गाइस ये अभी ट्राई करते हैं, वैसे हमने टिक्की भी मंगाई है, अभी वेटर लेके आ रहा है, नीचे भीड़ बहुत है, उन्होंने बोला जी आप ऊपर बैठो, यूट्यूबर हो, हम आपके लिए अभी भेज रहे हैं ऊपर ही। तो अभी हम जब तक इसको ट्राई करते हैं, टिक्की भी आ जाएगी, सद्दाम भाई इसको ट्राई करते हैं ना, हाँ, और जब तक हमारी टिक्की आ जाएगी फिर टिक्की खाएंगे फिर रिव्यू देंगे। तो गाइस जैसा कि दही बल्ले खाए, वाकई में जिसे कहते हैं ना दही बल्ले वो थे, बहुत मज़ा आया। और दही बल्ले तो हमने आपको दिखा दिए, टिक्की नहीं दिखा पाए, इतना स्वाद था जैसे ही आया। तीन भाई थे, तीनों ने लपेट दिया, सब कर दिया फिनिश, तो मुझे लगा बहुत अच्छा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों भाइयों से पूछता हूँ भाइयों को कैसा लगा। भूपेंद्र जी को कैसा लगा नटराज का सभी आइटम? देखिए मैं पहले ये समझता था BTW एक ब्रांड है, हाँ हाँ, और उससे बढ़िया टिक्की, उससे बढ़िया भल्ला पापड़ी किसी की नहीं होगी। पर यहाँ मुझे खाने के बाद आज महसूस हुआ कि BTW से ऊपर है। हाँ सही कह रहे हो। दूसरा यहाँ की इतनी साफ सफाई और अच्छे तरीके से बनाई यहाँ पे चीज़ें जाती हैं और बड़ा टेस्ट, और ये लगा लो कि मुझे लगता है कि यह टेस्ट ऐसे टेस्ट है कि बार बार हमें अभी टेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा। और जो इतना सन्नी भाई को इतना मान सम्मान दिया, क्योंकि ये यूट्यूबर हैं और ये मशहूर हैं, इनके चैनल को दुनिया देखती है, तो ये लगा लो इन लोगों ने हमसे पैसे भी लिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सन्नी जी का मान सम्मान है और जितनी प्रशंसा यहाँ की करी जाए उतनी कम है। सद्दाम भाई आप कुछ बोलोगे मेरे चैनल के बारे में या खाने के बारे में? दही बल्ले बहुत ही स्वाद थे, बहुत टेस्टी थे, मैंने और जगह भी खाए लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा नटराज जी में आया। तो और टिक्की भी बहुत अच्छी थी, टेस्टी एकदम, तीनों खा गए, मॉल में नहीं पड़ा कब खा गए। तो देखा इन्होंने आपके भाई का कितना सम्मान किया, पैसे भी नहीं दिए, मज़ा आ गया। एक यूट्यूबर होने की यही खासियत, पर मैं यही खाया है, ना पैसे लेते हैं ना कुछ, और बड़े प्यार से बड़े सम्मान से जो मर्जी खाओ और बढ़िया काम बढ़िया तरीके से काम। तो आपके भाई का चैनल सही चल रहा है, इसका मतलब जहाँ जाते हैं लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए और आपका यूट्यूबर चलना चाहिए, और ये इतना बढ़िया हो रहा है, सन्नी अम्बावता जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो गाइस देखा आप सभी ने सुना, खाने की तो तारीफ हो ही रही है, हमारे चैनल की भी बहुत तारीफ हो रही है और हर आदमी देख रहा है। हम यहाँ आए तो इन्होंने बोला जी आप तो सन्नी अम्बावता ब्लॉग्स हो, मैंने कहा जी
कह रहे आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, आपके लिए बल्ला टिक्की बिक्की रबड़ी सब फ्री है, जितना खाओ। पर भाई मैं तो थोड़ा डाइटिंग पर चल रहा हूँ, इसलिए हम तीनों भाई ने मिल दो ही चीज़ ली, सिर्फ टिक्की और दही बल्ले। तो गाइस खा लिया, वाक्य में बहुत ज़बरदस्त माल था। आप कभी भी आओ चांदनी चौक में, गली गली में माल छिपा हुआ है, खाने वाले की कमी है, माल की कमी नहीं है, खाने वाले की कमी है। तो आप आइए यहाँ, पूरा लुफ्ट उठाइए, बढ़िया बैठ के कूलर में अपना ढंग से देखो कितना अच्छा सीटिंग है, सारे सब खा रहे हैं, बहुत सफाई शानदारी से बना के देते हैं। चलो तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं करता हूँ एंड। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और कमेंट्स भी करिए। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, सन्नी अम्बावता ब्लॉग्स की तरफ से सभी को बाय बाय, लव यू।